हेलो गाइस, तो कैसे हो लोग। तो स्वागत है सभी का मेरी आज की इस नई माइनक्राफ्ट की वीडियो में। तो आज की इस माइनक्राफ्ट की वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं वन ब्लॉक। तो ये वन ब्लॉक का एपिसोड नंबर पता नहीं है कौन सा होने, मैं टाइटल में लिखा होगा, जाके देख लो। किसी तरीके फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइस आपने देखा होगा वैसे इंट्रो के लिए बड़ा सीखा है ये भी। तो आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि मैंने ये वाला घर बना लिया अपना, जो भी मुझे सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, नहीं करके रखा हुआ तो फटाफट से कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वैसे कर लो अगर अच्छी लगती है। तो आपने देखा होगा कि मैंने पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय किया था, उसके बाद मैंने बनाया था ये, और इस कमरे टाइप जगह में है हमारा वन ब्लॉक। ये देखो हमारा वन ब्लॉक, अभी स्नो वाला पता नहीं कुछ चल रहा है, जब हटेगा तब उसका नेक्स्ट लेवल आएगा, मुझे पता आपको वन ब्लॉक के बारे में पता है, बस सुन लो। तो यहाँ पे अभी मुझे कुछ फ़ायदा तो होता नहीं क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ टच वाली पिकैक्स है नहीं है, जो स्नो आइस जो भी है ये सारे ऐसे ही फालतू में वेस्ट हो जाते हैं। तो मैंने बनाया था ये कुछ चार घर जो कि हैं, आपको मानोगे नहीं पर ये विलेजर्स के लिए, विलेजर को सोचो इतने तगड़े तगड़े घर दिए हैं मैंने, मैं खुद के लिए कितना आलिशान कासल बनाऊंगा। तो यहाँ पे अभी मैंने कुछ बनाना है, यहाँ पे अभी इस वीडियो में मैंने यहाँ पे बनाया चेस्ट रूम और अगले दो और घर। तो फिर से यहाँ पे अपना एक यहाँ पे खाली खाली जगह लगती है मुझे लगता है, इसलिए यहाँ पे कुछ बना लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ बनाने की सोची क्या, चेस्ट रूम ही बना रहा हूँ, वुड यूज़ कर रहा हूँ अभी, ओक की जगह देखो वुड। चलो फटाफट से यहाँ पे लगाते हैं, मैं थोड़ी सी स्पीड में रखा हुआ क्योंकि ये हार इसको बनाने में टाइम लग रहा था मुझे। अब ये क्या हो गया, सीधी मतलब उस साइड फेस करके मुझे लगानी पड़ेगी, तो वैसे कर लेते हैं हम, कोई टेंशन की बात नहीं है। इन टॉर्चेस को उठाओ सबसे पहले, चलो फटाफट से यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैंने बड़ा सही सोचा है, बिना किसी मजाक के इसका स्ट्रक्चर मैंने बड़ा सही सोचा, आप देखते जाओ। इसका नॉर्मल एक हर टाइप स्ट्रक्चर नहीं होने वाला, अलग सा स्ट्रक्चर होने वाला है। अरे वैसे मैं सोच देख रहा हूँ कि वन ब्लॉक में हमारे जितने भी घर या फिर जो भी चीज़ें बनी हैं, हर चीज़ का स्ट्रक्चर एक से अलग है, कोई भी चीज़ सेम नहीं है। वो कोई भी चीज़ नॉर्मल हो सकती है बट कोई भी चीज़ एक दूसरे से सेम नहीं है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको अभी तो वैसे वन ब्लॉक में कुछ खास बना नहीं है, मुझे बताना इन चारों विलेजर के घर में से अभी आप फिलहाल के लिए आपको अभी कौन सा विलेजर का घर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना मत भूलना। क्योंकि मेरा पर्सनल फेवरेट वो वाला है जिसमें मैंने इंट्रो की थी, मैंने बड़ी वीडियोस में बताया हुआ कि जिस वीडियो में मैंने अभी रूम में इंट्रो की वही मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट रूम है। अरे यार ये थोड़ा सा गलत बना यार, रुको इसको ठीक करते हैं थोड़ा। कहाँ से करूँ, यहाँ से ऊपर चढ़ता हूँ, पहले यहाँ पर ये लगा देता हूँ स्टोन ब्रिक्स जो कि एकदम ओपी सी लग रही है यहाँ पे। अबे खड़े हो, हाँ तो गाइस ये मैंने बना लिया है, ये कुछ घर बनाया है कुछ टाइप चीज़ का। यहाँ पे चेस्ट रूम वैसे बनाने के लिए ठीक ही है, तो यहाँ पे मैं चेस्ट रूम बना देता हूँ। और हाँ, अगर आपको मेरी एडिटिंग थोड़ी सी भी पसंद आ रही है आपको और आपको कोई अच्छी सी जगह नहीं मिलती एडिटिंग करने के लिए, तो आप ये देख लीजिए गाइस, यहाँ पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके देखो, मतलब बहुत तगड़ी वीडियो बनाई रही है वो मैंने। आप देख सकते हैं कि मैं एडिटिंग कौन से सॉफ्टवेयर से करता हूँ, कैसे करता हूँ, आपको एकदम आसानी से समझ भी आ जाएगी। और गाइस अगर आपको बिल्कुल अच्छा मतलब नहीं मिल रहा है, आपको आप वीडियो बनाते हो आपको अच्छा सा नहीं मिल रहा है कि जो ऐप जिस पर आप अच्छे से एडिटिंग कर सकते हो, तो मैंने उसके लिए एक अच्छी सी वीडियो बना रखी है, वहाँ पे जाके उस ऐप पे जाके आराम से एडिटिंग कर सकते हो। स्पॉन्सर नहीं है बस बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं उस ऐप से खुद एडिटिंग करता हूँ। अब फटाफट से हमारा घर बन चुका है यहाँ पे, घर क्या बोल रहा हूँ, चेस्ट रूम बन चुका है, अभी घर तो अभी बनाना बाकी है। फटाफट से मैं थोड़े से ओक स्लैब्स बना लूँ यहाँ पे, और ये बीच में थोड़ी सी अलग सी ओक लगाएंगे ना, ओपी लगे एकदम। तो फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल में जाके फटाफट से यहाँ पे स्लैब्स बनाना ना, हाँ डार्क ओक लगा लेता हूँ बीच में, वो भी अच्छी लगेगी बहुत ज़्यादा मुझे पता है। तो यहाँ पर फटाफट से स्लैब्स लगा लेते हैं, अरे टॉर्च को बिठाना पड़ेगा, डार्क ओक अच्छी लगेगी जैसा कि मैंने सोचा ही था। टॉर्च को ये चेस्ट रूम अच्छा रहेगा यार, यहाँ पे लगा हुआ है ना ये और ये, तो मैं फटाफट से काम कर लेता हूँ। सत्तर साल भी बीत गए पता भी नहीं चला भाई, पर अभी तक मेरा घर नहीं बन पाया भाई, फटाफट से घर बनाओ, थोड़े से स्लैब वो चाहिए थे भाई मुझे, 75 साल कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। चलो फटाफट से देखिए गए 75 सालों में मैंने कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है, पूरे के पूरे 12 स्लैब लगा दी, और आज फाइनली मेरा घर 2 स्लैब वो बना के लाता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत स्लैब्स बना सकता हूँ मैं, 6 बन गए 2 बनाने थे, कुछ नहीं होता, 2 लगा देते हैं क्या, थोड़ी सी कंजूसी करना इम्पोर्टेंट है, 2 लगा देते हैं यहाँ पे भी, एक स्लैब वेस्ट कुछ नहीं करते हम। तो देख सकते हैं ये आज हमारा हो, अरे ये स्लैब अलग हैं,
चलो कुछ नहीं होता, देख सकते हैं आप हमारा आज का मतलब आज ये घर हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो फटाफट से थोड़ी सी डर्ट फिलिंग वहाँ पे करेंगे और बनाएंगे विलेजर्स के घर। पर आपको पता ही मैंने चेस्ट रूम बनाया, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी चेस्टें बनानी पड़ेंगी, इसके अंदर चेस्टें प्लेस कर लेते, इतना सामान तो है नहीं कि मैं चेस्टों में डालूँ, पर फिर भी चेस्ट रूम बनाते हैं हम, चेस्टें लगा दें यहाँ पे डबल डबल वो भी। चलो ठीक है, तीन चिस्ते। चलो फटाफट से वहाँ पे जाके मैं अभी डर्ट फिलिंग करता हूँ। हाँ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ओपी लग रहा है यहाँ पे हमारा, सच में अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है, तो बिना किसी देरी किए फटाफट से चलते हैं डर्ट फिलिंग करने। ओ भाई अच्छी बात है, ऐसे घास लगा दिया मैंने, यहाँ पे जानवर स्पॉन होते रहते हैं। हाँ? गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मैंने अरिजीत सिंह का इमोशनल गाना क्यों लगा दिया यार, तो मैंने लगाया क्योंकि मेरा मन किया, ऐसे मैं नॉर्मली कुछ ऐसे गाने लगाता हूँ जैसे कि और कुछ। हाँ और आज मैंने कुछ और बजाने का दिल किया, तो मैंने यार दिल किया बजा दिया, छोड़ो ना उस बात को। आप देख सकते हैं वाला घर मैंने बना दिया, कितना ज़्यादा ओपी लग रहा है, सच में क्या ही बोलूँ मैं, क्या क्या ये बोलूँ यार, सच में यार अच्छा लग रहा है बिना किसी मजाक के। अरे यार ये क्या क्या काम करना है ये तू है। और ये अब हमें एक और घर एकदम इसके सामने, जैसे कि हमने बाकी के सारे घर बनाए एकदम इसके सामने, हमने एक और अच्छा सा घर बना डालना है, तो यार ये वाला घर बिना किसी मजाक के अच्छा लग रहा है। चलिए दूसरा घर भी बनाने चलते हैं। आप मन में 5 4 3 2 1 गिनिए, वैसे ही घर बन जाएगा। चाहूँ वाह प्रो भाई, मैं सोचता था आप क्या घर दिखाते रहूँगा, घर बनाने में इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, तो छोटे छोटे से घर मैंने फटाफट से बनाता हूँ। ये वाला घर भी मैंने 77 साल में आराम से बना दिया था, वरन की बात नहीं है भाई, तो ये घर बनाया आज। तो भाई लोग मेरी आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी हर एक वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और जितना प्यार आपने दिया उसके लिए सो मच थैंक यू, और चैनल सब्सक्राइब किया वो तो आपने कर रही है, बाय। अरे यार आप जाते जाते कर देना यार शेयर, अब वीडियो मेहनत से बनाई है, अच्छे से बनाई है, आपको अच्छी लगी तो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।